बड़ी प्रसन्नता होती है जब इस तरह की फिल्में बनती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों का जो चाह है वो धीरे धीरे बदलता जा रहा है, ऑडियंस बदल रही है, और ये हम सब के लिए बहुत अच्छी खबर। और जो इस तरह की फिल्में बनती हैं वो चलती भी हैं। पिछले आपने 4-5 फिल्में देखी होंगी, पांच सिंह तोमर हो या बर्फी हो या विकी डोनर हो या कहानी हो, ये सब तो मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। कर नहीं पाया तो आई एम सो हैप्पी कि अब वो फिल्म रिलीज हो रही है। बहुत अच्छे टॉपिक पे है और बहुत अच्छे एक्टर हैं, मनोज, नवाजुद्दीन, नवाज इज देयर एंड राजकुमार, राजकुमार एंड दे सब रियली वेगा ऑल ऑफ देम हैव वर्क वेरी हार्ड एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म। इट्स अ हिस्टोरिकल, तो कुछ सीखने को मिले वही उम्मीद है, और एंटरटेनमेंट हो, मस्ती हो। फिल्म बहुत खूबसूरत है और फ्रीडम मूवमेंट के ऊपर है, और हमारे देश की एक इंडिपेंडेंस से पहले की फिल्म है। ये ऐसे घटना के ऊपर है जो शायद लोगों को अभी तक मालूम नहीं है, तो इस फिल्म के जरिए बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ फाइटिंग की। ये बहुत मुझे लगता है कि फिल्म जो है वो ऐसी फिल्में होती हैं, इनके अपने पंख होते हैं, और जो अच्छी फिल्म होती है वो अपने आप, जैसे कि देख रहे हैं कि इतना अच्छा, इतनी ये फिल्म है और उसका इतना अच्छा प्रीमियर हुआ, इतने लोग आए देखने के लिए, कहीं ना कहीं इस फिल्म की लोगों ने तारीफ सुनी होगी। बहुत अच्छी फिल्म है, सिंसियरली बनी है, सब ने बहुत मेहनत की है और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है कि और आजकल ऐसी फिल्में लोग पसंद करते हैं और बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, और ना ही सिर्फ डायरेक्शन, परफॉर्मेंस, म्यूजिक, हर चीज में फिल्म बहुत ही बहुत खूबसूरत है। दिस इज अ फिल्म अबाउट हाउ अ बॉय इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज डाउट्स एक्चुअली विंस अ विक्ट्री, एंड दैट्स द स्टोरी दैट आई हैव टोल्ड। इट्स लाइक अ डेविड वर्सेस गोलायत, तो जहां डेविड विंस, एंड आई डोंट थिंक दिस काइंड ऑफ फिल्म, दिस काइंड ऑफ स्टोरी, हिस्टोरिकल स्टोरी हैज बीन टोल्ड। दिस इज अ वेरी वेरी रेलेवेंट फिल्म अबाउट टुडे।